नमस्कार मित्रों, जय राधे कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ जैकपॉट में। मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको अपने सपने में बहुत बड़ा सांप आराम से लेटा हुआ दिखाई देता है, जिसे आप या तो देख रहे हैं या फिर उसे प्यार से छू रहे हैं और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, तो ये सपना आपके लिए शुभ माना गया है। इस सपने का मतलब है कि आपके ऊपर जो काल सर्प दोष चल रहा है वो अब समाप्त होने वाला है। मित्रों, काल सर्प दोष राहु केतु नाम के देवताओं के आपके कुंडली में बैठने के कारण उत्पन्न होता है। काल सर्प दोष बहुत ही कष्टदायक होता है। इसके कारण आपके जीवन से सुख चैन चला जाता है। आप हर समय बुरी खबरें ही सुनते रहते हैं। काल सर्प दोष आपको तो परेशानियों में डालता ही है, साथ में आपके परिवार वालों के ऊपर भी इसका प्रभाव बना रहता है, जिससे वे भी आपसे परेशान और उखड़े स्वभाव के हो जाते हैं। काल सर्प दोष में आपकी गंभीर बीमारी का शिकार बन सकते हैं। आपके पास हमेशा धन की कमी रहने लगती है। आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो या तो बिगड़ ही जाता है या फिर बीच में ही रह जाता है। काल सर्प दोष तो इतना खतरनाक होता है कि यदि आप गर्भ से हैं तो आपके होने वाले बच्चे को भी ये लग सकता है, उसकी कुंडली भी ये काल सर्प दोष खराब कर देता है। मित्रों, इस सपने को देखने का मतलब है कि नागों के देव यानी वासुकी नागदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और वो महाकाल के आशीर्वाद से आपके काल सर्प दोष को जल्द ही आपकी कुंडली से उठाकर बाहर फेंक देंगे, जिससे आपके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय राधा कृष्ण मित्रों।